हे बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा आप तो मुझसे जब बस वीडियोस देखना होता तो आप देख लेते हैं, वरना तो कोई रिप्लाई होती नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो उन बच्चों से ही रिक्वेस्ट है कि जो मेरी बात को मान रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हीं से रिक्वेस्ट है, या आप समझ लो रिक्वेस्ट है, जो भी चीजें आप क्या करो, जो भी काम करो प्लीज उसका अपडेट आप एक बार दे दिया करो कि मैम हाँ हमारा वीडियो ये अलग हो गया है, या फिर आप अटेंडेंस लगा दिया करो, यस लिख दिया करो उसमें कमेंट में कि मैम हम लोग ये अलग वीडियो देख चुके हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका मैं आज नाम नोट करने वाली हूँ। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं लाइव आऊंगी 10 बजे, तो ये मैसेज तो सबके लिए था कि लाइव आऊंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लाइव में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सब टाइप के लोग उसमें आ जाते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को बताने में। तो एक काम करती हूँ, मैं एक डाटा बना देती हूँ कि एक दिन मैं अभी पेपर करा दे रही हूँ 12th का, एक दिन 10th का, फिर जब 10th 12th थोड़ा सा ऑफ होगा, चीज़ें खत्म होगी, तो नीट का मैं पेपर करा दूंगी कोई चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आज आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे आप लोग एक कोई भी टॉपिक बता दो मुझे, उसका मैं क्या करती हूँ, उसका टॉपिक उठा करके पूरे प्रीवियस ईयर आए हुए लगा दूँ। ऐसे ही कल मैं 10th के लिए करा दूंगी ताकि आपकी ऑलमोस्ट चीजें कवर हो जाए। उसमें ये होता है ना कि आपको भी आंसर देने में, और मैं उन क्वेश्चंस को खुद लेके आऊंगी, आप बैठना ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बोलूंगी, आप मेरी बात सुनना, नोट डाउन करना, और कम से कम देखती हूँ कितनी देर तक की क्लासेस हो सकती हैं। तो होप सो आप लोग ये चीजें समझ रहे होंगे। और मैंने क्या कहा, जैसा कि अगर आप लोग, एक चीज और है, आप लोग क्या करते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखो बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हम लोग को, बिकॉज मैंने कहा मोटिवेट होने का, जैसे मैं देखती हूँ कि अगर 5 सब्सक्राइबर बढ़ गए, 10 सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ 10 लोग और हैं जिनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो उनके लिए भी काम किया जाए। तो आप लोग देखिए, मैंने क्या कहा, एक रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर चैनल पे विजिट करते हो, आपको चीजें क्लियर होती है तो आप प्लीज बता दो, नहीं भी होती तो आप नहीं भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं कर दो कमेंट में, मैम हमें समझ नहीं आया। देखिए मैं ऐसी हूँ ना, मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिस्पॉन्स चाहिए। देखिए आई नो कि पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी, मैंने एक दिन आपको कहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेरी बातें समझ में आती होंगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं आती होगी, नो डाउट। तो जिनको नहीं आती वो भी मेंशन कर दें ताकि मैं देखूँ तो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उनकी, उनकी बेसिक्स क्यों दिक्कत कर रही है, क्यों उनको समझ नहीं आ रही है। और जैसा कि बोर्ड एग्जाम आपको पता है, तो ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर ऑलमोस्ट वीडियो बन गया है, बस एक लेक्चर और है, वो खत्म करने के बाद मैं सीधे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ रही हूँ, 2-3 दिन में, वो भी 2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग अभी आपको दे दूँ, नीट का थोड़ा सा टाइम है बच्चों, देखिए नीट वाला जानते हैं कि हमारे लिए टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, बट अगर आप केमिस्ट्री पे मुझे फॉलो कर रहे हो तो 100% मैं आपको काम करा दूंगी। मैंने क्या कहा, आप एक बार मैसेज कर दिया करो कि मैम मैं नीट से हूँ, वही लाइन आने के बाद ये होता कि आप, मैं समझ नहीं पाती हूँ आप किस क्लास के हो, तो क्या मैं आपको रिप्लाई करूँ या क्या आंसर करूँ, आप ना अपने अकॉर्डिंग बताओ। बेटा मैंने क्या कहा, नीट में बेसिक से स्टैंडर्ड होता है, जबकि अभी 12th के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो आप बस उतने पे काम करो जो हम आपको बताते जा रहे हैं। तो आज मैं क्वेश्चन ला रही हूँ, नीट के लिए भी सोच रही हूँ ले आऊँ 2-4 क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर ही लाऊंगी, नो डाउट। आप, मैं कोई फर्जी का काम नहीं करूंगी, मैं अभी देखिए चाहूँ तो मैं भी अपनी एक बुकलेट आपको दे सकती हूँ, बट नहीं, आपके पास जो रियल कंटेंट है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, पढ़ाई चाहिए, नंबर चाहिए, तो आप उस पर काम करो ठीक है। चलो फिर ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, और रात में 10 बजे आप लोग एक बार लाइव आ जाना, तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।